नमस्ते, देवस्मिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम मूली की पत्ता की पकोड़े बनाएंगे, तो आइए देख लेते हैं मूली पत्ता की पकोड़े के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की जरूरत होता है। यह है मूली की पत्ता। जो बड़े बड़े मूली की पत्ते हैं उसको मैं दंडी से निकाल के इस तरह ले ली हूँ, और जो छोटे छोटे मूली की पत्ते हैं देखिए मैं इसको बिल्कुल दंडी के साथ ही ले ली हूँ। 150 ग्राम बेसन में ली हूँ, जीरा 1/4 छोटी चम्मच, कलौंजी 1/4 छोटी चम्मच, एक मीडियम साइज की प्याज में गारी काट ली हूँ, 1 इंच अदरक के टुकड़ा को मैं दरदरा कूट ली हूँ, 8-10 कली लहसुन को मैं ओखली में दरदरा कूट ली हूँ, हरी धनिया बारीक कटी हुई, नमक 1/3 छोटी चम्मच, 1 चुटकी भर बेकिंग पाउडर हम यूज़ करेंगे हमारी पकौड़ा को क्रिस्पी बनाने के लिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम बेसन की बैटर बनाएंगे, इसमें सारे मसाला को डाल देते हैं, जीरा डाल देते हैं, कलौंजी डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, अदरक को डाल देते हैं, लहसुन को डाल देते हैं, आप इसके जगह लहसुन अदरक की पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हरी धनिया डाल देंगे, नमक को डाल देंगे, सारे मसाला को अच्छी तरह से बेसन के साथ मिलाएंगे, थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसकी बैटर बनाएंगे, थोड़ी सी गाढ़ी बैटर बनाएंगे क्योंकि हम मूली की पत्ते को जब काट के इसमें मिलाएंगे तो मूली के पत्ते से पानी निकल के बैटर में मिल जाएगी। देखिए हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अभी हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं ताकि हमारी बैटर अच्छे से सेट हो जाए। हम अभी मूली के पत्ते को बारीक बारीक करके काट लेते हैं। पहले सारे को अच्छे से पकड़ के बीच से काटेंगे, फिर इसको घुमा के एक हथेली पर पकड़ के अच्छे से बारीक बारीक करके काटेंगे। सारे पत्ते को मैं बारीक बारीक काट ली हूँ, अभी 15 मिनट हो गई है। अभी हम बैटर में सारे मूली के पत्ते को अच्छी तरह से मिला के और 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे ताकि हमारे मूली की पत्ता भी बैटर के साथ अच्छे से सेट हो जाए। सारे मूली के पत्ता को इस तरह से हम बैटर में अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप जितना पत्ते ले रहे हैं उसी हिसाब से आप बेसन लीजिए, जैसे हमारे सारे पत्ते बेसन के साथ अच्छे से बाइंड हो सके। सारे पत्ते को अच्छे से मिला दी हूँ, इसे अभी 5 मिनट के लिए फिर ढक कर रख देंगे। जब तक हमारी बैटर रेडी हो रही है तब तक हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं। गैस ऑन करके पैन बिठाते हैं, पकौड़े के लिए ऑयल डाल देते हैं। 20 मिनट हो गई है, हमारी बैटर सेट हो गई है। बैटर में 1 पिंच बेकिंग पाउडर डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिला ली हूँ, हमारी ऑयल भी गर्म हो गई है। अभी हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। चम्मच में थोड़ी थोड़ी लेके हम ऑयल में डालते जाएंगे। आप आपके हिसाब से छोटे या बड़े पकौड़े बनाइए। कढ़ाई में जितना आएगा उतना ही डाल दीजिए। देखिए हमारी पकौड़े नीचे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अभी हम इसको दूसरी तरफ पलटा देते हैं, एक एक करके सारे को इस तरह पलटा देंगे। गैस को हमेशा मीडियम पर रखेंगे, नहीं तो हमारी पकौड़े में पत्ते नहीं पक पाएंगे। देखिए हमारी पकौड़ा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अभी हम इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे बैटर को इस तरह पकौड़े बना लेते हैं। ये भी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस